नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए आज हम सिद्धि करेंगे। एक सिद्धि है हमारी और सिद्धि है अभिभावत। वैसे तो जो आपने सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों में आपके समझ में आ गई होगी कि अभिभावत की सिद्धि कैसे होनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भू धातु से अणिच प्रत्यय लाना है और आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे हेतु मतिच सूत्र से प्रेरणा अर्थ में अणिच आगम। उसके बाद इसके अनुबंधों का लूप कर लेंगे यानी चा का और णा का। तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों भू प्लस ई बचेगा और सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम सूत्र से ऋच के चकार एवं चोटू सूत्र से णकार की इत संज्ञा एवं, या ऐसे लिख सकते हैं तथा, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक चकार व णकार का लोप करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, फिर आपको लाना है यहाँ पर इसकी धातु संज्ञा कर लेंगे और धातु संज्ञा लग हो जाएगी भू प्लस ई और आप लिख लेंगे सना ध्यंता धातव सूत्र से धातु संज्ञा करने पर। तो विद्यार्थी ये जो पूरा है इसका नाम क्या हो गया, अब धातु हो गया। इस सूत्र से क्या हो गया, धातु हो गया। अब देखिए अगला जो आप इसमें आगे बढ़ोगे तो इसकी धातु संज्ञा हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस धातु संज्ञा के स्थान पर ले आएंगे लुंग। वो प्लस ई है और यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों लुंग और सूत्र यही है, सूत्र से भूतकाल में लुंग आगम। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मैं इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। इससे आगे क्या करेंगे आप, इसमें जो गा है और इसमें जो ऊ है इनका लोप कर देंगे विद्यार्थियों और आप लिखेंगे भू प्लस ऋच प्लस ला और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे हलंत्यम से लुंग के गकार की और उपदेशे जनु नासिक इत
सूत्र से ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक गकार और उकार का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, ये स्थिति आपकी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब फिर आपको क्या करना है कि ये जो ला है, ला के स्थान पर ले आएंगे आप तिप और आप लिखेंगे भो प्लस ऋच प्लस तिप और आप लिख देंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे से सात कर्तरी परसमयी पदम तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमः। फिर है तानेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकसः। सूत्रों की सहायता से ये सूत्र आपको पूरा लिखना है विद्यार्थियों। तिप दस जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर तिप आदेश। यह हो जाएगा विद्यार्थियों लकार के स्थान पर आपका तिप आदेश हो जाएगा। अब जब तिप आदेश हो जाता है फिर क्या करेंगे आप, तिप के पा का लूप कर लेंगे। ये जो तिप है, तिप का पा है, इसका लूप कर देंगे और सूत्र लगा देंगे आप भो प्लस ऋच प्लस ती और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कौन सा, आप सूत्र लग जाएंगे हलंत्यम। सूत्र से तिप के पकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से तिप संज्ञक से इत संज्ञक पकार का लोप। आप आगे लिख सकते हैं लोप करने पर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जब टिप आ जाएगा तो फिर आप अट ले आएंगे और आप लिखेंगे अट प्लस भू प्लस अणेच प्लस टी, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों लुंग लंग लिरिंग छ्व डु दातः। सूत्र से आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा की सहायता से अंग को अट आगम। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि यह अट का आगम किसको होता है, तो यह अट का आगम अंग को होता है, भू धातु को। ठीक है विद्यार्थियों, किसको होता है, यह भू धातु को होता है। अब अट के टा का लोप कर लेंगे, आप लिख लेंगे अ प्लस भू प्लस णेच प्लस ते, और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम, शॉर्ट में लिख देता हूँ हलंत्यम व तस्य लोप। तो आपके समझ में आ गया हो, आपको पूरी परिभाषा लिखनी है। हलंत्यम सूत्र से अट के टकार की संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से इस संज्ञक टकार का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये स्थिति हो गई आपके सामने कि अट आ गया। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, अब चिली लाना है। कौन सा लाना है, आपको प्रत्यय लाना है चिली। जैसे आप सप लाते हैं और सप लाते हैं तो वहाँ तो सप आता है और यहाँ पर क्या आता है, चिली आता है विद्यार्थियों। और एक सूत्र है, देखिए चिली कहाँ आएगा, भू प्लस ई प्लस चिली प्लस ती, और सूत्र लगा देंगे आप चिली लूंगी, और आप लिख देंगे चिली लूंगी सूत्र से सप का बाध कर चिली आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, ये चिली का आदेश हो जाएगा, और चिली का जब आदेश हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम जो मैंने आपको पहले जो सूत्रों की व्याख्या कराई है विद्यार्थियों, बिल्कुल वैसे ही चलना है हमें। अब देखिए ये जो चिली है, इस चिली के स्थान पर आदेश हो जाता है विद्यार्थियों चंग, और चंग कैसे होगा, देखिए ये हो गया अट भू णेच और चंग और ती, ये है, और सूत्र लग जाएगा आपका णी श्री द्रु स्त्रुभ्यः कर्तरी चंग। णी क्या कहा है, णी श्री द्रु स्त्रुभ्यः कर्तरी चंग, सूत्र से चिली को चंग आदेश। मैंने आपको बताया था या तो अड़ी लगा हो, तोड़ी है ये अणिच का है, तो ये जो चिली है चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है इस चिली के स्थान। ठीक है विद्यार्थियों, अब चंग में क्या करना है आपको, जब ये चंग आदेश हो जाता है तो चंग के इस गा का और चा का लोप कर लेंगे,
और हमारे पास बच जाएगा आ। तो देखिए आप लिखेंगे अट प्लस भू प्लस रेच प्लस आ प्लस ती। ठीक है, अब देखिए ये हल है पूरा, तो हलंत्यम से और चा की छोटू से संज्ञा हो जाएगी, तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से चंग के गकार की और छोटू सूत्र से चकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक चकार गकार और चकार का लोप। ये है विद्यार्थियों, तो इस चकार और गकार का हो जाएगा लोप। और देखिए अब आगे बढ़ेंगे, इसके जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है आपको, अब हमारे पास बच गया, अब हमको क्या करना है, ये जो टी है टी के ई का लोप करना है, तो आप लिखेंगे अट भू रेच अ यानी चंग का है ये और ये ता, और आप लिख देंगे इतश्च सूत्र से प्रत्यय के इकार का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये जो इकार का लोप हो गया आपका किससे, इतश्च सूत्र से। अब देखिए इस भू को करेंगे हम द्वित्व, तो देखिए दो बार भू आ जाएगा द्वित्व करते हैं, तो और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों चंगी, और आप लिखेंगे सूत्र से एकाच भू को द्वित्व आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, एकाच भू धातु को क्या हो जाएगा, द्वित्व आदेश हो जाएगा। अब ये द्वित्व हो गया, द्वित्व जब विद्यार्थी हो जाता है तो आपको क्या करना है, द्वित्व के बाद फिर आपको करना है इसकी अभ्यास संज्ञा। क्या करेंगे, अभ्यास संज्ञा किसकी, जिस पहले की, तो आप लिखेंगे अट प्लस भू प्लस भू प्लस णिच प्लस चंग प्लस तिप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों पूर्वोभ्यास पूर्वोभ्यास सूत्र से द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा। करने पर यह है विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है द्वित्व दो हुए हैं,
यह और यह, तो ये जो पूर्व वाला है इसकी क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। इसका नाम हम क्या रख देंगे, अभ्यास रख देंगे, क्योंकि जो भी इसमें कार्य होंगे वो अभ्यास संज्ञा के बाद ही होंगे विद्यार्थियों। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस भा को कर लेंगे जस, अट प्लस बू प्लस भू प्लस ऋच प्लस चंग प्लस तिप, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों, कौन सा, अभ्यासे चर्च, आप लिखेंगे सूत्र से अभ्यास झल, और झल में कौन सा है, भकार के स्थान पर जस, और जस में कौन सा विद्यार्थियों, बकार आदेश, आप इसको लिखते हैं आदेश करने पर, ऐसे लिख सकते हैं आप अगर अपनी सुविधा के लिए लिखना चाहें तो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, थोड़ी सी बड़ी सिद्धि है ये, क्योंकि ये लुंग लकार में है। अब देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, कि जब बा कर लिया तो हम इसको हिरस्व करेंगे, यानी ये जो बा है इसका जो ऊ है इसको क्या कर लेंगे, हम हिरस्व कर लेंगे। तो अट प्लस बू प्लस भू प्लस ऋच प्लस चंग प्लस ता, ता का मतलब तिप का ता है ये, तो तिप ही बोलेंगे हम इसको। और देखिए, सूत्र लग जाएगा आपका हिरस्व, आप लिखेंगे सूत्र से अभ्यास के अच को हिरस्व आदेश, ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो तीर था इसको हमने क्या कर दिया, हिरस्व कर दिया। अब जब ये हिरस्व हो जाता है विद्यार्थियों, तो फिर क्या करेंगे, भू का जो ऊ है उसको अचोणिति से कर लेंगे वृद्धि, क्या कहते हैं कि जो भू है, भू भू के ऊ को वृद्धि कर लेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए, ये है और इसको हो जाएगा औ, और ये यहाँ पर ऋच है, यहाँ पर चंग है, और यहाँ पर ता है, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अचोणिति, सूत्र से अंग, अंग कौन सा विद्यार्थियों, भू की, भू की नहीं को औ वृद्धि आदेश, ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो औ वृद्धि आदेश हो जाता है, फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं, और आगे जब चलेंगे तो देखिए, पहले इसको साफ कर देते हैं, अब ये जब साफ कर देंगे आप, तो देखिए औ हो गया, और औ जब वृद्धि हो जाती है तो औ को कर लेंगे विद्यार्थियों आव, ठीक है, क्योंकि यहाँ औ है और यहाँ अच है, तो ये क्या करेंगे आप, अट प्लस बू प्लस भाव प्लस अणिच प्लस चंग प्लस ता,
और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों, एचो य वा या वा। सूत्र से एच औ को आव आदेश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है इसके बाद, इसके बाद की जो प्रक्रिया है कि इस उपधा को कर लेंगे विद्यार्थियों ह्रस्व आदेश। देखो उपधा ये है हमारा, देखिए ये जो उपधा है इसको ह्रस्व कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका भू प्लस भाव प्लस ई प्लस आ प्लस ता, ये है। और आप लगा देंगे अड़ऊ चंगी अड़ऊ चंग्योपधाया ह्रस्व से उपधा को ह्रस्व, ठीक है। जो भाव था उसको क्या कर लिया हमने, भव कर लिया विद्यार्थियों। अब देखिए ये जब उपधा को हम ह्रस्व कर लेते हैं विद्यार्थियों, तब ये बाद की स्थिति है हमारी। अब ये स्थिति है, अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा णिच प्रत्यय था उस णिच प्रत्यय का कर लेंगे हम लोप। किससे? ऋणेर निटि सूत्र से लोप कर लेंगे। किसका? इसका। तो देखिए आप लिखेंगे अट, अट के बाद आप लिखेंगे बू प्लस भव प्लस चंग और प्लस ता, और सूत्र लिख देंगे आप ऋणेर निटि। अब ये ऋणेर निटि सूत्र से ऋ का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद विद्यार्थी आप क्या करेंगे, अब देखिए कि ऋण नेटी से उसका लोप हो गया। अब सन्वल लघुनी एक सूत्र है, उससे इसका सन्वद भाव हो जाएगा। पूरे को क्या है, सन्वद भाव कर लेंगे और ये सूत्र है हमारा सन्वल लघुनी चंग परे नग्लोपे। सूत्र से सनवद भाव करने पर, अब देखिए विद्यार्थियों जब इसका सनवद भाव हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, ओह पुयण ज्यपरे सूत्र है तो अभ्यास का जो ऊ है उसको ई हो जाएगा।
ये जो अभ्यास का हुआ है इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये है ही आपके पास भव प्लस चंग का आ है और तिप का ता है, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों दीर्घो लघु, सॉरी कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, ओह पोयाण ज परे से अभ्यास के ओकार को एकार आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद जब आप चलेंगे तो देखिए एक सूत्र है दीर्घो लघु, उससे इसको हो जाएगा दीर्घ, और ये हो जाएगा अभी भव प्लस ता, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों दीर्घो लघु, ये सूत्र है विद्यार्थियों। और ये जो दीर्घो लघु सूत्र ये कहता है कि अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा, और फिर अज्झिनम परेण से इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा अभी भावा तो, और सूत्र लग जाएगा, ये परिभाषा लग जाएगी विद्यार्थियों अधीनम परेण संयोज्य। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इन सिद्धियों को पूर्ण करना है विद्यार्थियों। ये हमारी सिद्धि पूर्ण हो चुकी है अभी भवत की। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।